I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ देवगढ़ सीरीज। तो राइट नाउ अभी हम लोग आ गए हैं तपोवन में। तो तपोवन तपोभूमि है जहाँ पे ऋषि मुनिया जो पहले के थे वो सब तपस्या किया करते थे। एक आध्यात्मिक स्थल है ये। तो चलो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर सब भी है। शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ट्रैक करके ऊपर चलते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ से जब ऊपर पहुँचोगे तो यार एक गजब का व्यू दिखेगा जो आपको मैं ऊपर चल कर दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग बालेश्वर महाराज ऋषि के ऊपर, ये दुर्गा मंदिर है और अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सीता जी का गुफा है, ये सीता गुफा है। इसके बगल में बलान ब्रह्मचारी का जग का भूमि है, ऊपर में भी सीता मैया विश्राम किया है। उधर सीता जी का कुंड है, बगल में दिखा रहा है तो सीता जी का कुंड है वो वाला ना। हाँ, वो सीता जी का, सीता जी का कुंड है और ये सीता जी का गुफा है। गुफा है। 9 बरस के वन में आए थे बालानंद ब्रह्मचारी उज्जैन से। महाकालेश्वर जो मंदिर उज्जैन में है उनके प्रधान पुजारी थे बंसीलाल, उन्हीं के पुत्र थे। बचपन का नाम था पीताम्बर, बाद में बालानंद ब्रह्मचारी नाम हुआ। 44 बरस इस तपोवन में दो बाघ के साथ बाघ के गुफा में तपस्या किए हैं। प्रथम तपस्या बाबा इसी आसन पर किए हैं, सफ़ेद आसन जो है बाबा का पंचमुंडी आसन है। भारत में 3 वो पंचमुंडी आसन है। ये बालानंद ब्रह्मचारी का तारापीठ जाइएगा, बामा के बागा जो श्मशान में है और दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी का। ये बाबा ये आसन को अपने हाथ से बनाए थे 1882 में और बाबा यहाँ तपस्या शुरू किए तो लोगों का भीड़ आने लगा। बाबा यहाँ से उठे और सीधे पहाड़ के अंतिम चोटी पर चले गए। वहाँ जाने के बाद एक गुफा मिला जहाँ 2 बाघ रहता था। बाबा 2 बाघ के साथ 44 वर्ष लगातार 1882 से 1926 तक तपस्या किए और भोलेनाथ का साक्षात दर्शन हुआ है। भोलेनाथ का उल्टा चरण ऊपर के गुफा में सर ध्यान से देखेंगे उस चरण पर 17 गो चिन्ह अंकित है। शंख चक्र गदा त्रिशूल परशुमीन भाला झंडा, ये चरण दुनिया में कहीं भोलेनाथ का यही तपोवन में है। और 12 बरस के बाद बाबा जिंदा समाधि के लिए हैं। 1937 में बाबा समाधि में चले गए हैं और इनका समाधि जो है नौलखा मंदिर के पास बालानंद आश्रम है। हाँ। वहीं बाबा 1937 में समाधि लिए हैं जो ध्यान कुटी के नाम से जानते हैं लोग। और ये माता का गुफा है सीता माँ का। गुफा में सीता माँ विश्राम की है, ऊपर में जाके बजरंग बली की परीक्षा ली है। वही शिला फट के बजरंगबली निकले हैं जो सीता माँ को दर्शन दिए, जो मानस मंदिर है ऊपर में बजरंगबली का। यहीं पे शंकर जी ने रावण को दर्शन दिया था। सीढ़ी बनाया गया था, ये कलकत्ता की रानी थी सोहो का की नाम था। यहाँ आए थे हनुमान जी के पास मनन मांगने के लिए, उनको 7 लड़की था। तो हनुमान जी के पास आए मनन मांगने, उनको लड़का हो गया तो आकर के यही सीढ़ी 244 सीढ़ी बना करके वो रानी को सपना दे दिया हनुमान जी। रानी बोला कि इधर पहाड़ी रास्ता में सीढ़ी नहीं बनाना है, वो मेरा पास आएगा बैठ करके झूठ करके करबड़ होके सूत करके के लिए नौकरी चाकरी के लिए घुटना दर्द पेट दर्द सबके लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पर 105 दिन मत रहता है, उधर से पहाड़ी रास्ता से उतरना। तो तपोवन के सबसे ऊपर चोटी पे आ गए और यहीं पे सीता जी जो थी विश्राम की थी, इसलिए ये जगह बहुत ही फेमस है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं और एक नंदनी फोटो शूट करा रहा है और यहाँ से यार क्या व्यू आता है। अगर सामने देखोगे तो आपको त्रिकुट पहाड़ दिखेगा, इधर नीचे सीता कुंड दिख रहा है वो, और ये देखो क्या व्यू आ रहा है। मैं अभी आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाता हूँ, यहाँ ज़बरदस्त आएगा।
चालीसा तपस्या की थी बाघ के साथ में, इसी का गुफा नीचे में शंकर भगवान का उल्टा चरण है। अच्छा। और बाघ का खोपड़ी देखिए शीशा में रखा गया है, हम लोग यहाँ घुसेंगे यहाँ निकलेंगे। कहाँ रखा गया हुआ बाघ का? बाघ का खोपड़ी वहाँ पर देखिए, विटामिन। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं गुफा के अंदर। हाँ, गुफा ही बाबा चवाली से तपस्या की थी इसके अंदर। हाँ, उसी के अंदर में सातर भगवान का उल्टा चरण है। बाबा इधर बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। छह सीढ़ी है, तीन सीढ़ी खड़ा करके तीन सीढ़ी पेट करके जाना, उसके बाद सातर भगवान का उल्टा चरण गुफा का नीचे में देखिए। देखो बड़ी खतरनाक है। परिवार के नाम से खींच लाएंगे सर। अच्छा, 100 गुटका दीजिए का। तो अब यहाँ से है ट्रेकिंग करते हुए हम लोग मंदिर की तरफ, मंदिर के नीचे जा रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर। वहाँ पे हनुमान जी वो पहाड़ फाड़ के आए थे। ये मंदिर नहीं, गुफा है। गुफा है जो हम लोग जा रहे थे, जो वहाँ कैमरा से ना देखे। हाँ हाँ, ऊपर में तो फाइनली गुफा से होते हुए अभी हम लोग बजरंगबली के मंदिर, ये जो झंडा दिख रहा है असल में बजरंगबली का मंदिर, जब मैं लास्ट बार भी आया था तो दिखाया था, वो यहीं पे है। आप जो भी मनोकामना मांगोगे ऐसा माना जाता है इस मंदिर में ज़रूर पूरा होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रसाद लिया था, उसके अंदर एक धागा है जो ऊपर ऐसा माना जाता है वहाँ पर उसे भगवान के पास रखा जाता है, फिर लेकर नीचे बांधा जाता है। पर उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, क्या नज़ारे है भाई। आप तो ड्रोन व्यू भी देखोगे, मस्त नज़ारा आ रहा है। मौसम भी शानदार हो गया, हम लोग को निकलना भी है, पर फिर भी हम लोग जितना टाइम हो रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर कि आपको सारे कुछ इसके पास के बारे में मालूम चले। तो भैया कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप। इसी का नीचे में है रावण का गुफा। अच्छा, इसके यहाँ पे। हाँ, जहाँ रावण का गुफा है। हाँ। वहाँ पर सूर्य का रोशनी आता, वहीं पर छिप करके रावण तपस्या कर रहा था। अच्छा, जहाँ रावण तपस्या कर रहा था वहाँ सूर्य का रोशनी आता, तो सात देवता मिल करके हनुमान जी को भेजा कि रावण को तपस्या पूर्ण हो रहा है। 11 रूप है हनुमान जी का। हाँ। तो वही हनुमान जी को यही चट्टान दे दिखा रहा है, वहीं पर पत्थर फाड़ करके रावण को तपस्या भंग किया था। अच्छा, यहीं पर लाखों लाखों आदमी मन्नत पूरा होता है। कलकत्ता के रानी थे, शोभा के नाम था, आए थे हनुमान जी के पास मन्नत मांगने के लिए। उनको सात लड़की था, हनुमान जी के पास आए थे, उनको लड़का हो गया, तो वही नीचे से लेकर 244 में वही रानी बनाया गया। तो रानी हनुमान जी को सपना दे दिया कि रानी को आए स्थान में सीढ़ी नहीं बनाना, मेरे पास को जाएगा बैठ करके, झुक करके, करबट होके, सूत करके जाएगा, उसी को नौकरी चाकरी के लिए देख रहा सभी कर यहाँ पे झुक कर ये सब करके जाना होता है। पीछे भी आप देखे हो वहाँ पे वो एकदम बेंड होके सो के जाना पड़ता है। तो आप जो अगर सोचो कि जब हम ऐसे सीधे सीधे एक खड़ा चढ़ाई है और हम लोग चल के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको बेंड करना पड़ेगा, कहीं पे झुकना होगा, पूरी तरह से बैठना होगा, ये सारे चीज़। तो अच्छा है, आपका पूरा बॉडी का जो एक्सरसाइज होता है वो हो जाएगा यहाँ पे अगर आते हो तो। ठीक है, और कुछ भैया? नहीं, इसके बाद है हनुमान जी का गुफा है। अच्छा, लक्ष्मी मंदिर है, रावण का गुफा है, पतली गली है, सब दिखाएंगे अभी। चलिए, और यही देखो रास्ते देख रहे हो ना, हनुमान जी का अपना हाथ से दर्शन करना है। यही मनोकामना मंदिर है ना, और तपस्या क्या कर रहे थे? इसका नीचे में रावण का गुफा है। अच्छा, यहीं पर हनुमान जी पत्थर फाड़ के निकाल। उठिए उठिए, कहाँ
इसे टारेगा बहुत, बोलना डर है। इसी गुफा से होते हुए आप इधर निकलोगे, पूरा लेट कर आपको निकलना पड़ेगा। ये और रावण के गुफा के पास जाओगे जहाँ पे तपस्या कर रहे थे रावण, यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। जी आप ये रास्ता तो जाना ही पर यही घर। जय श्री राम करते करते ये तो पूरा सो गए। धीरे धीरे यहीं पर छिप करके रावण तपस्या कर रहा था। जहाँ रावण तपस्या कर रहा देखिए वहाँ पर सूर्य का रोशनी आता है, यहीं पर छिप करके रावण तपस्या कर रहा था। तो सांप देवता मिलकर हनुमान जी को भेजा कि रावण को तपस्या पूर्ण हो रहा है, यहीं हनुमान जी आकर के रावण को तपस्या भंग किया था। आइए जय श्री राम करते करते ठीक है। रुको हम पहले तुम लोग खींचेंगे। हेलो चलिए ठीक है, आएगी तब ना। आइए पीठ इधर कीजिए, हाँ गोल गोल इधर कीजिए, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कीजिए। जय श्री राम। आइए आइए, हाँ पतली गली है ये। हाँ पतली गली बंद हो गया भैया, चार्ज खत्म चल रहा है, चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, चल रहा है, आगे लाइट चल रहा है ना। चलो जय श्री राम, जय श्री राम, झूला पकड़ लीजिए भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहाड़ समाप्त हो गया, पहाड़ समाप्त हो गया, ये लास्ट मंदिर है मैया लक्ष्मी का। तो फाइनली यार त्रिकुट पर्वत सॉरी तपोवन भी हो गया, जितने भी डिटेल्स थे हाँ वो सारे मैंने दे दिया। भाई यहाँ बहुत पैसे लेते हैं लोग यार, मतलब ठीक है भगवान पे आपका जो मन है इच्छा है वो चढ़ा, पर एक क्या जय श्री राम का 10 रुपए दे दीजिए तो कोई नहीं, अगर आपका जो भी अंदर से इच्छा आता है अगर देना है वो भी हम लोग खुद दे दिए नीचे से लेके ऊपर, पर हर जगह पे एक ही चीज़ के लिए वो लोग मांगते हैं। चलो कोई नहीं, होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।